इससे पिछले पार्ट में हमने देखा कि हिरागी गलती से आर्टोरिया को प्रपोज कर देता है, पर अब धीरे धीरे आर्टोरिया के दिल में भी हिरागी के लिए कुछ होने लगा था और वो उसे कन्फेस भी कर देती है। लेकिन सारिया के होने के बाद भी हिरागी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो भी सारिया के ही सामने। लेकिन क्यों, ये तो आपको पहले और दूसरे पार्ट में ही पता चलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और तब तक हम आगे की कहानी को जान लेते हैं। उम्मीद है मैं आपको परेशान ना कर रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन का मोमेंटम पकड़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स के मामले में हमारा चैनल बहुत ही पीछे है, और इसमें बस आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। आपका मजा किरकिरा करने के लिए मुझे माफ करना। तो चलिए आपकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा हिरागी आखिर ऑफिशियली एडवेंचरर बन चुका है, पर अब तक उसके पास कोई घोड़ा ही नहीं है, और एक घोड़ा तो एडवेंचरर की पहचान होती है। तो गिल्ड मास्टर हिरागी को अपने कच्चे से एक मैप निकाल कर देते हैं, जिसके अंदर उस जगह का रास्ता था जहां उसे घोड़ा मिलेगा। वहां हिरागी को अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि सारिया वापस ऑर्फनेज गई हुई है और आर्टोरिया कुछ क्विस्ट को कंप्लीट करने, वरना घर में खाना कहां से आएगा। अब घोड़ों के अस्तबल में पहुंचने के बाद हिरागी को वहां सबसे पहले रॉयल कप के बारे में पता चलता है, जो कि घोड़ों की रेस है। इसमें एडवेंचरर्स मैजिक और वेपन का भी यूज करते हैं, और इसी के बिहाव पर वो हिरागी को तेज घोड़े दिखाता है। उनमें एक घोड़ा तो ऐसा था जो उसके छूने भर से ही वही खत्म हो गया था। ये घोड़े बाकी घोड़ों के मुकाबले भागने में बहुत ही तेज होते हैं, लेकिन ये दिमाग के बड़े ही बेवकूफ होते हैं। कभी कभी तो ये सांस लेना भी भूल जाते हैं और उसी से मारे जाते हैं। वैसे मालिक के पास एक घोड़ा और बाकी था, जो घोड़ा कम हिरागी को गधा ज्यादा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर था, पर ये जंगली होने की वजह से किसी को अपने पास नहीं आने देता। तभी अचानक ही वो घोड़ा अपने मालिक को ही मारने लगता है। हिरागी वहाँ खड़ा बस हैरान ही हो सकता था। तभी उसको एक न्यू स्किल मिल जाती है, जिससे अब वो कोई भी भाषा को समझ सकता था। हिरागी को पता चलता है कि ये फीमेल डंकी किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रही है जो उसके लायक हो, और उससे पहले वो नहीं चाहती कि कोई उसे टच भी करे। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि हिरागी को उसकी जरूरत के हिसाब से स्किल मिलती रहती है। ये जरूरी नहीं है कि उसे इसके लिए किसी से लड़ना ही पड़े। खैर, वो डोंकी भी समझ चुकी थी कि हिरागी उसकी भाषा को समझ पा रहा है। वो हिरागी को अंदर बुलाती है और उसके ऊपर एक घातक हमला कर देती है, लेकिन हिरागी उसकी टांगों को ही पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर उठा देता है, जिसके बाद वो डोंकी भी अपनी हार मान लेती है। वो समझ चुकी थी कि हिरागी कोई आम इंसान नहीं है, इसीलिए वो चाहती थी कि हिरागी उसका मास्टर बन जाए। हिरागी भी उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद वो अपना नाम लुलुना हिरागी को बताती है। अब हिरागी उसको खरीदना चाहता था, लेकिन अब तक अस्तबल के मालिक को ठीक से होश नहीं आया था। वो हिरागी को बच्चा समझकर उसे स्कूल जाने को कहता है। ये सुनते ही लुलुना उसके मुंह पर जोर की लात मार देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और थोड़ी बहुत पेट पूजा करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हिरागी की नज़र उसी एनिमल ईयर वाली लड़की पर जाती है, जिसको कोई लड़का वहाँ परेशान कर रहा था। पर हमें पता चलता है कि ये तो उसी लड़की का भाई है, जो उसे पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने को कन्वेंस कर रहा था। इस लड़के का नाम मे है, जो अपनी बहन माई की ही तरह एक पेंटर है, लेकिन उसकी बनाई पेंटिंग ज्यादा कुछ खास नहीं थी। खैर, ये पेंटिंग कंपटीशन रॉयल कप के एक महीने बाद ही होने वाला है, और मे को पता चलता है कि हिरागी ने उसकी बहन की पेंटिंग्स को पहले भी पसंद किया था, तो वो हिरागी को उसे समझाने को कहता है। तो माई को मोटिवेट करने के लिए हिरागी लुलुना के साथ रॉयल कप में हिस्सा लेने का फैसला करता है, जिसका फर्स्ट प्राइस तांबुली नाम की एक रेयर मछली थी। अब खाने का नाम सुनकर लुलुना भी एक्साइटेड हो जाती है, और वो रेस का दिन भी बहुत जल्दी आ जाता है। यहाँ आर्टोरिया और सारिया भी इन्हें यहाँ चेयर अप करने आई थी, लेकिन ये रेस इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार के कैंडिडेट्स बहुत ही जोश में लग रहे हैं। क्योंकि वेलकरी लॉर्ना बताती है कि इस रेस का सेकंड प्राइज वेलकरी लीडर की हॉट पिक्स है, और फर्स्ट प्राइज में आपको सारी वेलकरीज के साथ पूरा एक दिन बिताने को मिलेगा, जो कि ये प्राइज पूल लुलुना और हिरागी को बहुत ही घटिया लगता है, इसीलिए वो अपनी तांबुली पर ही फोकस करेंगे। लेकिन ये प्राइज पूल पूरे स्टेडियम में एक नई जान भर देता है। यहाँ मैं और माई भी उन्हें यहाँ सपोर्ट करने आए थे। अब रेस शुरू होती है। इन्हें पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाकर यहाँ वापस आना था। रेस की शुरुआत में ही कुछ घोड़े बस कैनन की आवाज़ सुनकर ही वहाँ मारे जाते हैं,
लेकिन इससे भी बदतर हालात हिरागी के चल रहे थे, क्योंकि लुलुना रेस में भाग ही नहीं पा रही थी। वो फिफ्थ प्राइज तांबुली के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है और अब उसे यहाँ भूख लग रही है। इनका ऐसा इनएक्टिव बिहेवियर देख क्राउड में सारे लोग उन पर गुस्सा हो जाते हैं। हिरागी अपने आइटम बॉक्स में कुछ खाने लायक ढूंढता है, तभी उसको फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का एक बीज मिलता है जिसे वो लुलुना को खिला देता है। लेकिन आगे रेस बहुत ही इंटेंस हो चुकी थी। एक कैंडिडेट अपनी वुल्फ विसिल से वहाँ कई सारे बी रैंक मॉन्स्टर को बुला लेती है, लेकिन हालात तो तब बदतर हुए थे जब उन सबके बीच ए रैंक का मॉन्स्टर भी था। हर कोई रेस से पीछे हट रहा था। वेलक्रीज भी इस रेस को कैंसिल करने वाली थी, लेकिन पीछे से कोई एक एडवेंचरर अपने गधे पे सवार हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसको देख पूरे स्टेडियम में एक नई जान भर जाती है। वो हमारा हिरागी था। किसी को शक भी नहीं होता कि उसकी खुद की फटी पड़ी है। उस बीज को खाने के बाद लुलुना अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं बैठा पा रही है। वो तेजी में उन वुल्फ के बीच में ही कूद जाती है और बिना लड़े सबको पीट कर इस रेस को जीत जाती है। ये देख माई को भी बहुत हिम्मत मिली थी। अब उसे पता है कि उसे कंपटीशन में क्या बनाना है। वैसे एक बुरी खबर है कि ये लोग गलती से फर्स्ट आ चुके हैं, यानी अब उनको तांबुली नहीं मिलेगी। इसीलिए लुलुना बच्चों की तरह रोए जा रही थी। हिरागी उसे समझाता है, क्या हुआ अगर हम तांबुली नहीं जीत पाए? अभी तो ऐसी बहुत सी चीजें बाकी है दुनिया में जिसे हमारा खाना बाकी है। हम अगली बार जरूर जीतेंगे। लुलुना हिरागी को गले लगा लेती है और उसे पकड़ के रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लुलुना का अपीयरेंस चेंज हो रहा है और वो सुंदर सी बिना कपड़ों की लड़की में तब्दील हो जाती है। आटोरिया ने हिरागी को उसके साथ देख लिया था और वो गलत समझ लेती है, लेकिन हिरागी समझाता है कि ये शायद फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। आटोरिया ऐसी फालतू बातें सुनकर कन्वेंस नहीं होती तो सारिया बताती है कि वो भी पहले मॉन्स्टर ही थी, लेकिन फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाने के बाद अब उसके पास भी एक ह्यूमन फॉर्म है। आटोरिया को ये देख चक्कर आ रहे थे। वो लुलुना को अपने साथ ले जाती है और 20 मिनट बाद उसके प्रेजेंस को पूरी तरह चेंज कर देती है। अब जब वो अपनी खुशी मना ही रहे थे तभी दो वेलकरीज वहाँ आती हैं और हिरागी को अरेस्ट कर लेती हैं। ना उसको पता है कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है और ना वो बताती हैं। हिरागी बस ये कहता रह जाता है कि वो बेकसूर है। दूसरी तरफ डीमन किंगडम में तभी डीमन आर्मी के जनरल्स की मीटिंग चल रही थी। यहाँ आज एक जरूरी बात पर चर्चा होने वाली है। आज डीमन लॉर्ड की बेटी लूटिया, उन्हें लगता है कि अब हमें ये सालों से चली आ रही डीमन और ह्यूमंस की लड़ाई को भुलाकर हमें समझौता कर लेना चाहिए। ये बात हैरान कर देने वाली थी कि ये बात वो कह रही है जिसके पिता को इंसानों ने कई सालों पहले सील कर दिया था। लूटिया को पता चला है कि विनबर किंगडम के राजा डीमंस के साथ समझौता करना चाहते हैं। तभी लिया डिस्कशन के बीच खड़ी होती है और सबको बताती है कि ब्लैक ड्रैगन को भी एक इंसान ने ही हराया था जो कि विनबर किंगडम से ही है। लिया को ये बात ब्लैक ड्रैगन की आत्मा से पता चली थी। लूटिया उन्हें समझाती है कि अगर हमें धरती पर शांति से रहना है तो हमें इंसानों के साथ ही जीना होगा, लेकिन इसके लिए लूटिया का असिस्टेंट तैयार नहीं था। वो सबको वो भविष्यवाणी याद दिलाता है जिसके मुताबिक अगर डीमन इंसानों के साथ रहे तो डीमन का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो बोलते बोलते अपनी हद भूल जाता है। तभी एक डीमन जनरल उसे अपनी औकात में रहने को बोलता है और बोलता है कि यहाँ वही होगा जो मिस लूटिया चाहेगी, भले ही उन्हें अपना अस्तित्व ही खोना पड़ जाए या किसी के अस्तित्व को ही मिटाना पड़ जाए। दूसरी तरफ हम हिरागी को देखते हैं जिसे विनबर्ग किंगडम ले जाया जा रहा है। वेलकरीज उसे याद दिलाती है कि वो रॉयल कप में फर्स्ट प्राइज जीता था जिसमें उसे पूरा एक दिन वेलकरीज के साथ बिताने को मिलेगा, और उन्होंने हिरागी को बेड़िया इसीलिए पहनाई है ताकि शहर वालों को लगे कि वेलकरीज बहुत मेहनत करती है चोरों को पकड़ने में। अब वो हिरागी की बेड़ियों को खोल देती है और उसे कैसल का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाती है जो पूरी तरह एक बैरियर से कवर किया गया था जिस पर कोई भी अपने पूरे पोटेंशियल पर ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन लुइस किसी को अपने पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं देती। वेलकरीज की लीडर लुइस यहां उससे सब डरते हैं क्योंकि वो पूरे किंगडम में सबसे ताकतवर योद्धा है। हिरागी देखता है कि लुइस का हमला इतना तेज है कि वो सभी वेलकरीज को एक हमले में ही हरा देती है। इसके बाद वो अचानक ही हिरागी से भी लड़ना चाहती थी। उसके लड़ने का तरीका देखने के बाद हिरागी पहले ही डर चुका था, लेकिन वो जबरदस्ती उसके हाथों में तलवार पकड़ा देती है। लुइस के किए हमले हिरागी अपने सिक्स सेंस से भी देख नहीं पा रहा था। हमें पता चलता है कि लुइस के पास कोई मैजिक या स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो हमेशा से ही एक ताकतवर तलवारबाज रही है। तभी हिरागी को तीन न्यू स्किल और मिलती है
जो कि है माइंड आई रिफ्लेक्सेस और वर्ल्ड आई। अब हिरागी लुइस के मूव्स को तो देख ही पा रहा था, साथ ही उसकी बॉडी अब अपने आप ही काम कर रही थी। हिरागी लुइस की तलवार गिराकर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। वहाँ सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। हिरागी को खुद यकीन नहीं हो रहा था। लुइस हिरागी के सामने झुक जाती है और पूछती है कि क्या वो उसे मास्टर बुला सकती है, क्योंकि हिरागी ने लुइस की जान बचाई है। असल में लुइस अपनी सॉ टेक्निक की वजह से बचपन से ही बहुत ताकतवर थी, इसीलिए कोई उसके बराबर का नहीं था और ना ही कोई उसकी बराबरी करना चाहता था। लुइस अंदर से अकेली पड़ चुकी थी, पर आज हिरागी ने उसे हरा कर उसे बचा लिया है। अब ये सुनने के बाद हिरागी भी उसका मास्टर बनने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ सिखा नहीं सकता क्योंकि उसे सिखाना आता ही नहीं है। तभी हिरागी को गाइडेंस स्किल भी मिल जाती है। अब लुइस हिरागी से जिद करने लगी थी। तभी एक मेड कैसल में चिल्लाते हुए सबको बताती है कि किंग के ऊपर किसी एसेशियन ने घातक हमला कर दिया है। लुइस हिरागी को इससे दूर रहने को कहती है, लेकिन अब यहाँ तक आने के बाद हिरागी पीछे कैसे हट सकता था। वो अपनी वर्ल्ड आई से पूरे कैसल को स्कैन कर लेता है, जिससे उसे उस कल्प्रिट का पता चल जाता है। वर्ल्ड आई से बस आप चीजों को देख ही नहीं, यहाँ तक कि आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। हिरागी को पता चलता है कि इस असेशन का नाम ओलिगा है, जो कि सिर्फ 8 साल की बच्ची है। हिरागी उसे आसानी से पकड़ लेता है। ओलिगा हिरागी पर कुनाई से हमला कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हिरागी उसके ही कुनाई से उसे दीवार में टांग देता है और उसे बेहोश कर वेलकरीज को सौंप देता है, जिसके बाद लोरना उसकी इंटेरोगेशन करने वाली थी। खैर, अब हिरागी को पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, किंग अब हमेशा के लिए सो चुके हैं, क्योंकि ओलिगा ने जिस कर्स नाइफ से हमला किया था उसके असर से किंग को अब कभी होश नहीं आएगा। लेकिन हिरागी को यकीन है, जैसे उसने आर्डोरिया के कर्स को उल्टा किया था, उसी तरह वो किंग को भी बचा सकता है। लेकिन हिरागी ये देख हैरान रह जाता है कि किंग और कोई नहीं रानसे ही था, जिसने उसे लव एडवाइस दी थी और जिस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का वो वहाँ वेट कर रहा था वो और कोई नहीं लुइस थी। खैर, तभी वहाँ लुइस का भाई फ्लोरियो वहाँ आता है, जो कि मैजिक डिवीजन का लीडर है। उन्होंने किंग के घाव को भर दिया है, लेकिन इस कर्स को काटने का उन पर भी कोई तोड़ नहीं है। हिरागी भी अपनी कोशिश करता है, लेकिन वो जानता नहीं था कि कर्स को तोड़ा कैसे जाता है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था आखिर कर्स दिखने में होता कैसा है। तभी हिरागी को मैजिक क्रिएशन नाम की एक और स्किल मिलती है और सरप्राइजिंगली वो कर्स टूट जाता है और किंग को भी होश आ जाता है। किंग भी हिरागी को यहाँ देख हैरान रह गए थे। फ्लोरियो किंग को बताता है कि वो हिरागी ही है जिसने उन्हें बचाया है। अब किंग हिरागी को कोई इनाम देना चाहते थे, पर हिरागी को कुछ नहीं चाहिए था। वो जिद करने लगते हैं तो हिरागी कुछ मांग ही लेता है। दूसरी तरफ काइजर किंगडम में किंग ने सारे हीरोज को बारबाडोर एकेडमी में टेलीपोर्ट करवा दिया था और अब तक कुछ हीरो समझ भी चुके थे कि किंग का मकसद उनके बताए मकसद से बहुत अलग है। दूसरी तरफ किंग और हिरागी एक साथ बात ले रहे थे। हिरागी ने किंग से मांगा था कि वो लुइस और बाकी सारी वेलकरीज के साथ यहाँ ट्रेनिंग करते रहना चाहता है, जो सुन सारी वेलकरीज हिरागी से इम्प्रेस हो जाती है। वैसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हिरागी यहाँ अरेस्ट हो चुका था तो क्या उसकी गर्लफ्रेंड्स को उसकी कोई परवाह नहीं है। तो हाँ, उन्हें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं कि हिरागी इस परेशानी से भी खुद बाहर आ जाएगा। बस आर्टोरिया को इस बात का डर था कि कहीं वेलकरीज वहाँ हिरागी का फायदा न उठा रही हों। दूसरी तरफ किंग हिरागी को अपने सपने के बारे में बताते हैं। उनका सपना है कि दुनिया के सारे लोग एक साथ बात ले, भले ही वो डीमंस क्यों ना हो। इससे एक दूसरे के बीच की अनइक्वलिटी खत्म होगी और प्यार का एक नया जन्म होगा, जहाँ पे हर कोई शांति से रहेगा। और काइजर किंगडम में जाकिया को किंग का ये फैसला पसंद नहीं आता कि उन्होंने सारे हीरोज को बारबाडोर एकेडमी भिजवा दिया है, क्योंकि किसे क्या पता कि कोई उनका वहाँ ब्रेन वॉश कर दे और फिर उनके ही हीरोज उनके लिए खतरा बन सकते हैं। बात इससे भी बदतर आगे जाती। उससे पहले ही अचानक ही कोई किंग को मारने की कोशिश करता है। जाकिया सब कुछ छोड़ उसका पीछा करता है। अब किंग और वो जादूगर उस बारे में बात करते हैं कि विनबर किंगडम का राजा डीमंस के साथ समझौता चाहता है, इससे उनका बना बनाया प्लान खतरे में पड़ सकता है और इसका एहसास किंग को हो चुका था, इसीलिए उन्होंने एक हथियारे को किंग को मारने के लिए भेजा है। विनबर कैसल में सारिया और बाकी सब हिरागी से मिलने आते हैं, लेकिन जब आर्टोरिया वहाँ इतनी खूबसूरत लुइस को वहाँ देखती है तो वो हिरागी को मारने लगती है। हिरागी उसे समझाता है कि तुम्हें फिर से गलतफहमी हो रही है। इसके बाद वो सभी लुइस को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरियो ये जब सुनता है कि सारिया उसकी वाइफ है, आर्टोरिया उसकी गर्लफ्रेंड है और लुलुना ने अपना सब कुछ अपने मालिक के नाम कर दिया है, तो फ्लोरियो समझ जाता है कि लौंडा खेला हुआ खिलाड़ी है। दूसरी तरफ लोरना ओलिगा का इंटेरोगेशन ले रही थी, जिसमें उसने अब तक अपना मुंह नहीं खोला था।
इसीलिए अब लॉर्ना भी मजबूर हो चुकी थी अपना सबसे ताकतवर तरीका आजमाने के लिए। वो एक बच्ची पर इसका यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो बाउल निकालती है और उसमें रामिन डालकर उसकी खुशबू ओलिगा को सुंघाती है। ओलिगा ने बहुत देर से कुछ खाया नहीं था, वो उसे ललचाती है और उसी के सामने खाती भी है। ऐसा भयंकर टॉर्चर देख हिरागी को गुस्सा आ गया था। वो दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। लुइस भी लॉर्ना का आज रात का खाना कैंसिल कर देती है, जो सुन वो डर जाती है और अब तक जो अपने मुंह में वो चबा रही थी वो सब वो लुइस के ऊपर ही उगल देती है। अब ओलिगा की पट्टी हटाने के बाद वो उसे खाने को रामेन देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ओलिगा के गले में इंसलेमेंट कॉलर लगाया गया है। ये खास तरीके का ब्रेसलेट या कहो एक कॉलर होता है, जिससे आप किसी को भी अपने हुक्म के अधीन बना सकते हो, यहाँ तक कि वो आपके लिए मजबूरन अपनी जान भी दे देगा। काइजर किंगडम के किंग को भी पता चल चुका था कि उनका हथियारा पकड़ा जा चुका है। अब इससे पहले वो अपना मुंह खोल दे, जादूगर उसे मारने जा रहा था। इस ब्रेसलेट को उतारने का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन हिरागी के पास एक न्यू स्किल है जिससे वो मैजिक को क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ हम जाकिया को देखते हैं, जो अपना गुस्सा जंगली पेड़ों पर निकाल रहा था। असल में जाकिया ने उस हथियारे को पकड़ लिया था और वो उससे पूछता है कि वो किंग को क्यों मारना चाहता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि जाकिया किंगडम के सिपाहियों ने किंग के कहने पर एक काम डीमन गर्ल को मारा था जो सिर्फ फूल बेचा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय इस हथियारे के, जो कि उसके दोस्त से बढ़कर कुछ था, और आज उसका बदला लेने के लिए ही वो सिर पर कफन बांध के निकला है। उसकी एक मिस्टीरियस स्किल से चारों तरफ से तीरों की बरसात जाकिया पर होने लगती है, लेकिन जाकिया भी कुछ कम नहीं था। वो उन सारे हमलों को काउंटर कर लेता है, लेकिन वो हत्यारा भी अब तक भाग चुका था। दूसरी तरफ हिरागी अपने मैजिक क्रिएशन से उस ब्रेसलेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक नया मैजिक बनाने के लिए आपको अपने माइंड में उसके बारे में सोचना पड़ता है। ऐसे ही हिरागी अपने मन में फ्री फ्री सोचे जा रहा था, तभी गलती से वो प्रेसिडेंट लिंकन को याद कर लेता है और वो वहाँ सच में समन हो जाते हैं और आजादी के नारे लगाने लगते हैं, जिससे वो मैजिक सर लिंकन के नाम पर बन गया था और वो ब्रेसलेट टूट जाता है। ओलिगा के आंखों में आई आंसू जाहिर कर रहे थे कि ये नन्ही सी बच्ची कितने वक्त से किसी की गुलाम थी। ओलिगा बताती है कि कुछ सालों पहले ही काइजर किंगडम के सिपाहियों ने कई मॉन्स्टर्स के परिवारों को बंदी बना लिया था, जिनमें बच्चों को छोड़ सबको कारखाने में डाल दिया जाता और फिर बच्चों को किलिंग मशीन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती। इसमें जितने भी बच्चे जिंदा बच जाते थे उनको फिर ये ब्रेसलेट पहना देते थे। हिरागी बोलता है कि अब सब खत्म हो चुका है, अब तुम आजाद हो। सारिया पूछती है कि क्या हम ओरिया को अपने साथ रख सकते हैं। ओलिगा साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर वो उनके साथ रही तो काइजर किंगडम उनका भी दुश्मन बन जाएगा। हिरागी बोलता है कि मैं बस दिखता नहीं हूँ, पर मैं बहुत ताकतवर हूँ, और विनबर किंगडम भी एक बच्ची को सजा नहीं देना चाहता। एक बार फिर काइजर किंगडम में जादूगर अपने जादुई गोले से डीमन किंग की बेटी के असिस्टेंट से बात कर रहा था। ये दोनों शुरुआत से ही एक प्लान बना रहे हैं, जिसमें अब डीमन किंग की बेटी बाधा बन रही है, लेकिन सब बर्बाद करने के लिए वो दोनों भी तैयार हैं। जब फ्लोरियो हिरागी को अपने मैजिक पर नियंत्रण करना सिखा रहा था, तभी उनके पास लुइस हिरागी से मदद मांगने आती है। वो चाहती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में हिरागी किंग का ख्याल रखे, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि विनबर किंगडम के बॉर्डर को डीमंस ने पूरी तरह घेर लिया है, इसीलिए सारी वेलकरीज तुरंत रवाना हो रही हैं। युद्ध को खत्म होने में शायद एक महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। वेलकरीज बॉर्डर के लिए निकल पड़ती हैं और हिरागी कैसल में मैजिक कंट्रोल करना सीख रहा था, जिस बीच उसे दो और नई स्किल मिल जाती हैं। हिरागी परेशान हो चुका था कि अगर उसे बार बार स्किल मिलती रही तो वो तो मॉन्स्टर ही बन जाएगा। तभी गिल्ड मास्टर हिरागी से मिलने एक जादूगर के साथ आते हैं। उनको देखकर फ्लोरियो उनके कदमों में गिर जाता है, वो उनका बहुत बड़ा फैन था। ये अब तक के सबसे ताकतवर जादूगर हैं। फ्लोरियो इनके लिए ऐसा पागल है कि उसने इनकी लिखी बुक तीन तीन बार खरीदी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना महान जादूगर यहाँ क्या कर रहा है। इनका नाम बारना बॉस है। इनको देखकर किंग भी इनके कदमों में झुक जाते हैं, क्योंकि एक वक्त पर किंग इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। खैर, बारना बॉस यहाँ अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने आए हैं। बारना बॉस बारबाडोर मैजिक एकेडमी के ही प्रेसिडेंट है। हाल ही में काइजर किंगडम से कुछ हीरोज जो कि दूसरे वर्ल्ड से बारबाडोर मैजिक एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जब से ये आए हैं एकेडमी में बहुत सी चीजें बहुत अजीब हो रही हैं। दूसरी दुनिया के बारे में सुन हिरागी बस उनसे पूछने ही वाला था कि तभी एक सिपाही किंग को बताने आता है कि 5000 बॉस लेवल के मॉन्स्टर्स ने
उनके कैसल पर हमला कर दिया है और यहाँ वेलकरीज भी नहीं है उन्हें बचाने के लिए। वहाँ बॉर्डर पूरी तरह मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। लुईस अपनी गॉड ऑफ वाटर स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक पल क्रिएट करती है जो मॉन्स्टर्स को काट देते हैं और सारी वेलकरीज भी उन सभी मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ती हैं। उनके साथ ब्लैक पैलेडियन भी था जो लुईस जितना ही ताकतवर माना जाता है। अब इस लड़ाई के बीच ही उन्हें पता चलता है कि कैसल के ऊपर भी हमला हो गया है। ये तमाशा असिस्टेंट जादूगर के साथ देख रहा था। उसने ब्लैक पैलेडियन और लुईस को बॉर्डर पर फंसा दिया है। अब किंग को कौन बचाएगा और जो शायद खतरा बन सकते हैं वो भी इतनी बड़ी आर्मी के पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। वो वाकई में बहुत सारे थे। लुलुना बहुत ही डरी हुई थी। अगर डीमन ने इस किंगडम को खत्म कर दिया तो उसे अच्छा अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा। इसे बचाने के लिए वो तो गॉड से भी लड़ जाएगी तो डीमन तो उसके गुस्से के नीचे ही कुचले जाएंगे। यानी हर कोई वहाँ जोश में था। गिल्ड के लोग भी इसमें अपना पूरा सहयोग देते हैं। हर कोई मॉन्स्टर्स के ऊपर टूट पड़ता है। गिल्ड मास्टर तो वन पंच मैन ही बन चुका था। ऐसी ताकत की उम्मीद गिल्ड मास्टर से हिरागी को कभी नहीं थी। वहाँ एक नहीं हर कोई कमाल कर रहा था। यहाँ हम उस रेस्टोरेंट के मालिक को भी देखते हैं जिसे हमने रांझे के साथ देखा था। ये असल में एक लेजेंडरी असेशियन है जो बीस्ट किंग को अपनी कुल्हाड़ी से ही काट देता है। अब बार्नबास भी मॉन्स्टर्स पर अपर स्ट्राइक हमला कर एक पोर्टल क्रिएट करता है जिसके अंदर सारे मॉन्स्टर्स कैद हो जाते हैं। लेकिन डीमंस खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। दो गुना डीमंस और वहां आ जाते हैं। अब लड़ाई को जीतना मुश्किल हो चुका था। सब लोग वहां थक चुके थे और ये मॉन्स्टर्स भी पहले के मॉन्स्टर्स के मुकाबले बहुत ही ताकतवर थे। साइची एक बड़ा हमला कर सकता है लेकिन इसमें उसके दोस्तों की जान का भी खतरा है। हिरागी बहुत सोचता है कि वो क्या कर सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो वहाँ लेडी ऑफ जजमेंट को समन करता है लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। हिरागी नहीं समझ पा रहा था कि गलती हो कहां रही है। तभी हम देखते हैं कि लेडी ऑफ जजमेंट काम कर रही है। वो सिर्फ मॉन्स्टर्स के ही ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक से हमला करती है लेकिन वो गिल्ड मास्टर और एलिसा के ऊपर भी हमला करती है क्योंकि ये बैड इन्फ्लुएंस से काम कर रही थी। अब ऐसे करके सारे मॉन्स्टर्स वहां खत्म हो जाते हैं और वो इस जंग को जीत जाते हैं। असिस्टेंट इस बात को पचाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ही ऐसे कैसे क्या हो गया। तभी उसके ऊपर भी बिजली गिर जाती है। बार्नबास जानता नहीं था कि हिरागी इतना ताकतवर है लेकिन अब तक सब खत्म नहीं हुआ था। हिरागी ने यहाँ जितने मॉन्स्टर्स को मारा है उसकी वजह से उसे बहुत सारी स्किल एक साथ ही मिलने लगती है। हिरागी इसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं बनना चाहता लेकिन अब उसके पास इतनी स्किल हो चुकी है कि अब उन्हें संभालने के लिए कैटेगरीज में बांटना पड़ जाएगा। खैर अब लड़ाई के बाद हिरागी ओलिगा के सिर को सहलाता है जैसा उसने लड़ाई से पहले वादा किया था। ये देख बार्नबास भी चाहता था कि हिरागी उसके सिर को भी सहलाए। खैर वो होश में आता है और हिरागी को एज अ टीचर उसकी एकेडमी ज्वाइन करने का उसे ऑफर देता है। असल में वो हिरागी की ऐसी इनक्रेडिबल पावर देखकर हैरान हो चुका था या कहो पागल हो चुका था। इसीलिए अब वो चाहता है कि हिरागी ये वाला मैजिक उसको भी सिखाए। लेकिन हिरागी के पास इस ऑफर को मना करने की दो वजह थी। पहला कि लुईस से किया हुआ वो वादा, जब तक वो किंगडम में वापस नहीं आती तब तक वो किंग का ख्याल रखेगा और वो सारिया और बाकी सबको भी छोड़ नहीं सकता है। बार्नबास थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि वो इन सबको भी वहाँ कुछ काम दे देगा। सब लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो हिरागी भी उनकी बात मान लेता है। अब बार्बाडोर एकेडमी जाने के बाद क्या पता हिरागी को वहाँ वक्त ना मिले, इसीलिए वो सबके साथ एक एक दिन टाइम स्पेंड करता है। ओरिगा और साइची का रिश्ता छोटी बहन और बड़े भाई जैसा हो चुका था। अब ओरिगा ने यहाँ नए दोस्त भी बना लिए हैं। हिरागी सारिया को थैंक यू बोलता है उसे इतना प्यार करने के लिए और वो भी उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर सारिया रो पड़ती है जो देख ओरिया हिरागी को डांट देती है। तभी आसमान में एक एयरशिप उड़ते हुए वहाँ से गुजरती है जिस पर हाल ही में हुए पेंटिंग कॉम्पिटिशन के विनर की फोटोज लगी हुई थी जिनमें माई और मे भी थे। किंगडम में उन विजेताओं की बनाई तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिसमें मे ने क्या बनाया है किसी को समझ नहीं आता लेकिन माई ने हिरागी और लुलुना की तस्वीर बनाई थी जो देखकर हिरागी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो माई से मिलता भी है जहां उसे पता चलता है कि माई पेंटिंग की पढ़ाई करने एम्बीरिया जा रही है लेकिन वो वादा करती है कि जब वो लौटेगी तब वो सबसे पहली तस्वीर हिरागी की ही बनाएगी। वेलकरीज भी किंगडम में वापस आ जाती है और लुईस को पता चल जाता है कि हिरागी बार्नबास के साथ बार्बाडोर एकेडमी जा रहा है। हिरागी बोलता है कि जब भी उसको वक्त मिले वो उससे मिलने जरूर आए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम असिस्टेंट को देखते हैं जो उस हमले में भी जिंदा बच गया था। डीमन लॉर्ड को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था
क्योंकि अब तक वो उसे रिवाइव नहीं कर पाया है। एक विच उन्हें सलाह देती है कि उन्हें बारबाडोर एकेडमी पर हमला कर देना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डीमन लॉर्ड को रिवाइव करने में काम आ सकती हैं। अब हिरागी भी सबको अलविदा कर बारबाडोर एकेडमी के लिए निकल चुका था, तभी उसकी गाड़ी के ऊपर कोई अजीब सा आदमी आता है और यहाँ पर ये पार्ट 3 खत्म होता है। तो स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि इतना वक्त कैसे लग गया इसे बनाने में। वक्त लगा यार क्रिकेट फाइनल्स की वजह से और उसके बाद मिलने वाले डिप्रेशन की वजह से। वैसे मुझको लगता नहीं है कि एनिमे फैंस क्रिकेट पसंद भी करते होंगे। करते हो क्या? मुझे कमेंट में जरूर बताना।